हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम दो फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं और दोनों ही फोन्स के फ्लैगशिप्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं और लोगों को पसंद भी बहुत आते हैं। दोस्तों एक तरफ है हमारा iPhone 15 एंड दूसरी तरफ है हमारा Samsung का S24। दोनों ही फोन्स में कॉम्पिटिट काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे कैमरे के मामले में हो, चाहे इसकी प्रोसेसिंग के मामले में हो, चाहे कोई सा भी फीचर हो। दोनों फ़ोन्स बहुत बढ़िया हैं और बहुत सारे लोगों को सैमसंग के फ़ोन पसंद आते हैं, बहुत सारे लोगों को आईफोन पसंद आते हैं। जिन्हें iOS पसंद है वो अपना iOS वाला वर्जन खरीदते हैं जो कि आईफोन है हमारा, एंड दूसरे लोग हैं जो सैमसंग को पसंद करते हैं, जिन्हें एंड्रॉयड चलाना पसंद है वो अपना सैमसंग का फ़ोन खरीदते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं दोनों फोन्स के बारे में, दोनों फोन्स के फीचर्स के बारे में, एंड उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा फ़ोन किन लोगों के लिए सही रहेगा। अब देखिए सबसे पहले अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, आपको पता है। आईफोन जो 15 जो नॉर्मल वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा देखिए लगभग 58,000 रुपये से 62,000-63,000 रुपये तक। एंड फ्रेंड्स ये 128 GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसकी रैम को बढ़ा के 256 GB करते हैं तो कम से कम 5,000-7,000 रुपए का लगभग अंतर पड़ जाता है। एंड फ्रेंड्स वहीं सैमसंग देखिए 8GB 128 GB वाले वेरिएंट की बात करूंगा जो कि अभी अमेजोन पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 56,000-57,000 का। ऑफर वगैरह लगाने के बाद काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, 2,000-3,000 और बच जाते हैं। तो ये चीज़ देखिए आपको आईफोन सैमसंग दोनों में देखने को मिलेगी जो भी ऑफर्स वगैरह होंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले दोनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। देखिए आईफोन की जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंच की सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले आईफोन यूज़ करता है। हालांकि 60Hz का पैनल है, लोगों को तब भी बहुत पसंद आता है, वहीं पर आईफोन को थोड़ा सा डिस्प्ले में तो काम करना बनता है क्योंकि 60Hz काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन अब फोन जो आ रहे हैं नए 144Hz तक लेके आ रहे हैं डिस्प्ले। वहीं देखिए सैमसंग यहाँ पर यूज़ करता है 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले। वहीं फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्ले है वो है 120Hz का, एंड आपको पता ही होगा सैमसंग के आईफोन के डिस्प्ले कितने बेस्ट होते हैं। वहाँ पर देखिए मुझे सैमसंग का डिस्प्ले पसंद आता है क्योंकि आपको छोटी सी एक पंच होल देखने को मिलता है जिसमें कैमरा यूज किया गया है, एंड काफ़ी अच्छे कैमरे के साथ में सैमसंग का फ़ोन आता है। एंड फ्रेंड्स मुझे डिस्प्ले सैमसंग के पसंद हैं, एंड यहाँ पर मैं सैमसंग को 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। आईफोन में छोटा सा आपको एक नॉच, चाहे उसे डायनेमिक आइलैंड कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, छोटा सा नॉच आपको कंटेंट देखने में थोड़ा सा दिक्कत तो महसूस कराता ही है। वहीं आईफोन के डिस्प्ले को मैं 4.8 स्टार देना चाहूँगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं देखिए प्रोसेसर के बारे में। तो आईफोन में यूज किया गया है A15 बायोनिक चिपसेट जो कि 6-कोर प्रोसेसर पे वर्क करता है, एंड आईफोन का जो चिपसेट है बहुत ही अच्छा काम करता है। चाहे आप गेमिंग खेलिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे वीडियो एडिटिंग करिए, कोई भी हैवी टास्क करिए, आईफोन बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेता है। वहीं देखिए सैमसंग के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो सैमसंग ने यहाँ पर एक्सनोइस 2400 प्रोसेसर यूज़ किया है जो कि लगभग 2.8 GHz पे वर्क करता है। एंड फ्रेंड्स ये जो प्रोसेसर है बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है जो कि सैमसंग का ही एक्सनोइस 2400 प्रोसेसर है। सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से कर लेगा, एंड गेमिंग एडिटिंग सारा कुछ बहुत अच्छे से चल पाएगा। वहीं देखिए प्रोसेसर के मामले में मुझे आईफोन के प्रोसेसर थोड़े से बेस्ट है। यहाँ पर सैमसंग हल्का सा हीट करता है। यहाँ पर देखिए आईफोन का जो प्रोसेसर है आप कुछ भी टास्क करेंगे हीट इतना नहीं करेगा, लेकिन सैमसंग जो एक्सनोइस प्रोसेसर है हल्का सा हीट करता है। लेकिन इस बार सैमसंग ने पता नहीं कौन सा जादू किया है, ये फ़ोन हीट ही नहीं कर रहा है। और प्रोसेसिंग में जो आपको एंटूटू स्कोर देखने को मिलता है वो आईफोन से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो प्रोसेसर देखिए यहाँ पर सैमसंग ने अपना यूज किया है, प्रोसेसिंग देखिए दोनों फ़ोन ही बढ़िया करते हैं, जबकि मैं यहाँ पर आईफोन के प्रोसेसर को थोड़ा सा रेटिंग ज़्यादा देना चाहूँगा। आईफोन के प्रोसेसर को मैं 4.8 स्टार देना चाहूँगा जबकि सैमसंग को 4.5 स्टार देना चाहूँगा प्रोसेसर के मामले में। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरे के बारे में। तो आईफोन में बैक में आपको 48MP का मेन कैमरा, 12MP का एक सेकेंडरी कैमरा जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और माइक्रो दोनों का काम करता है, और फ्रंट में आपको 12MP का कैमरा देखने को मिलता है। आईफोन में आप 4K वीडियो 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटोज बहुत ही शानदार आते हैं। आपको पता होगा आईफोन सैमसंग दोनों ही फोटो के मास्टर्स हैं, तो देखिए दोनों ही फोन्स में फोटो बहुत अच्छे आते हैं। जबकि आईफोन की अभी बात कर रहे हैं तो 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाते हैं, आप कंटेंट वगैरह बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी वीडियोज आती हैं। स्टेबलाइजेशन के मामले में भी आईफोन बहुत अच्छे से स्टेबल सारे कुछ कर लेता है। वहीं देखिए सैमसंग की बात करें तो सैमसंग ने 50MP का तो मेन कैमरा यूज किया है, एंड उसके साथ ही 12MP का आपको सेकेंडरी कैमरा जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का भी काम करेगा, 10MP का आपको टेली फोटो लेंस देखने को मिलता है जो कि आप अगर जूम करके फोटोज खींचते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह में पोर्ट्रेट वीडियो बनाते हैं जूम करके, तो आप ये सारी चीज़ें सैमसंग
S24 में कर पाएंगे। और दोस्तों सैमसंग में आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 24-30 FPS तक। एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। बाकी देखिए फोटोज एंड वीडियो के मामले में मैं देखिए वीडियो के मामले में तो आईफोन को बेस्ट बताऊंगा, जबकि फोटो के मामले में मैं सैमसंग को बेस्ट बताऊंगा। दोनों ही फोन्स को अगर रेट करें तो 4.8 स्टार में देना चाहूंगा। दोनों फोन्स के फोटोज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, आप यहाँ पर जज कर सकते हैं कि कौन से फोन के फोटोज या फिर वीडियोज बेस्ट लगे आपको। सारा कुछ आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं देखिए बैटरी के बारे में, तो आईफोन 15 में यहाँ पर यूज की गई है 3349 mAh की बैटरी। उसके साथ में आपको 20 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट आईफोन के साथ में मिलता है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी आईफोन सपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, उसके साथ में 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है सैमसंग, और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैटरी दोनों ही फोन्स की बढ़िया रुकती हैं, दोनों ही फोन्स का बैटरी बैकअप अच्छा है एंड दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छे से बैटरी चार्ज वगैरह कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। आईफोन और सैमसंग दोनों में ही आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, आप पानी में डुबो सकते हो एंड आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा, दोनों ही फोन्स वाटरप्रूफ हैं। एंड उसके साथ में आईफोन में आपको लाइफ टाइम के अपडेट्स मिलते हैं, जब तक आप आईफोन चलाएंगे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते जाएंगे। iOS के सपोर्ट के साथ में चलता है, चाहे आपका आईफोन कितना भी पुराना हो जाए लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलेंगे, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दोनों ही। एंड फ्रेंड उसके साथ में आईफोन में आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है इस बार, एंड जो टाइप सी है वो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं देता है। आईफोन 15 के जो मैक्स वाले वर्जन है प्रो मैक्स या फिर प्रो, उनमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जबकि आईफोन के जो बेस वेरिएंट है उनमें आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड फ्रेंड्स अगर सैमसंग के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स सैमसंग लेके अपने अंदर बैठा है। इसमें आपको AI के काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको AI के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है, जैसे ये फ़ोन मंगाना है, आपने सर्कल किया सर्च किया आपका फ़ोन आपका सर्च में आ जाएगा, तो सर्कल टू सर्च आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा। उसके साथ में आपको फोटो एडिटिंग के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे जो कि AI के थ्रू चलते हैं, ऐसे ही वॉइस ट्रांसलेशन और लाइव ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन आपको सैमसंग S24 में देखने को मिलता है। तो ये सारे जो फीचर है वो सैमसंग में आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में सैमसंग आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर है और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस करता है। एंड फ्रेंड्स ये तो सारे फीचर्स के बारे में मैंने बात कर ली है। अब फ्रेंड्स आपको जज करना है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है। चाहे आप देखिए एंड्रॉयड को सपोर्ट करते हो, आपको एंड्रॉयड चलाना पसंद है, जैसे कि मुझे एंड्रॉयड पसंद है, हमेशा से मैं एंड्रॉयड चलाता हूँ। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड में चलते हैं, iOS में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जबकि एंड्रॉयड में आप कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ करके ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मामले में एंड्रॉयड बढ़िया है। बाकी अगर आपको सिक्योरिटी के साथ में जाना है, कुछ लिमिटेड चीज़ें करनी है, तो आप आईफोन ले सकते हैं। बाकी आईफोन अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें आईफोन पसंद है या फिर हमने ले चुके हैं, जबकि आपको अगर सैमसंग S24 पसंद है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। और आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।